नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण जाट, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारा। आज के वीडियो में हम डिप्लोमा प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट CSNIT फंडामेंटल के चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, सबसे पहले है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सम कंप्यूटर प्रोसेस हैज वेरी लेंथी, ठीक है, एंड टाइम कंज्यूमिंग टू स्पीड सम सेम प्रोसेस ए जॉब विथ ए सिमिलर टाइप ऑफ नीड टू बैच टुगेदर टू रन अप ए ग्रुप। कुछ प्रोसेस होती है वो बहुत बड़ी लेंथी होती है एंड टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उनकी जो इससे क्या प्रोसेसर की जो स्पीड कम हो जाती है, तो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उस टास्क या उस जो प्रोसेस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे बैच में डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या है कि काम डिस्ट्रीब्यूट तरीके से होता है और थोड़ा इनकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें क्या बड़ी लेंथी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है और छोटी छोटी प्रोसेस को रन एग्जीक्यूट होने में टाइम कम लगता है, इसलिए उसको सिमिलर टाइप के जो भी प्रोसेस है उनका एक बैच बना देते हैं और उनको ही बैच में एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं होता। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी यूजर प्रिपेयर इज ओवन जॉब। इसमें क्या होता है, हर एक यूज़र एक अपना ओवन जॉब क्रिएट करता है ऑफलाइन, और उसके बाद में क्या करता है, लाइक इसे पंच कार्ड है ऐसा, उसके बाद में जो उसको सबमिट कर देता है जिससे सारा प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे लोकेटेड पर डिफरेंट टर्मिनल पर अगर आदमी काम कर रहे हैं तो हर एक टर्मिनल पे सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या मल्टी टास्किंग मतलब हर एक टर्मिनल अलग अलग टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपके जो प्रोसेसर का टाइम है, ठीक है, वो आपका टाइम शेयर हो जाता है अलग अलग टर्मिनल के बीच में, टाइम कंज्यूम होता है। कि जैसे मान लो प्रोसेस टर्मिनल वन है, उसने ये टास्क एग्जीक्यूट किया, उसके बाद टर्मिनल टू है, उसको टास्क एग्जीक्यूट किया, उसके बाद टर्मिनल थ्री, उसने को टाइम मिल गया, टाइम स्लॉट, उसमें उसने टास्क एग्जीक्यूट हुआ। उससे क्या होता है, सभी टर्मिनल पर एक टाइम स्लॉट मिल जाएगा जिसमें क्या वो टाइम शेयर करके अपने अपने टास्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, इसमें क्या होता है, इसकी जो भी एप्लीकेशन है वो रियल टाइम एप्लीकेशन होती है, जैसे मिलिट्री सॉफ्टवेयर होते हैं या जो स्पेस के सॉफ्टवेयर स्पेस से रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे आपको मान लो सैटेलाइट लॉन्च करना है या कोई मिसाइल लॉन्च करना है, तो उसमें क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक फिक्स टाइम चाहिए, उसके इतने टाइम में उसको एग्जीक्यूट होना है तो होना ही है। इसमें फिर क्या वो सिस्टम नहीं हो सकता है, इसमें एक डेडलाइन होती है कि डेडलाइन पर्टिकुलर डेडलाइन पे आपका टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, उसका अगर इसमें, इसलिए इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें डेडलाइन दो टाइप की होती है, एक होती है हार्ड डेडलाइन, दूसरी होती है सॉफ्ट डेडलाइन। तो इसमें जो भी टाइम इंटरवेल है इसमें आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो भी आपका है यूजर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड इस्टेब्लिश रहते हैं और उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन हुआ। हर एक सिस्टम का एक अपना सबका रिसोर्सेज होगा, वो अपने रिसोर्सेज से टास्क एग्जीक्यूट करेगा, सबका एक अपना लोकल प्रोसेसर होगा एंड लोकल रिसोर्सेज होगा। इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है थोड़ी फास्ट हो जाता है उनमें आपस में, मगर इसमें क्या है कि थोड़ा फास्ट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अपोजिट है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो भी एक सर्वर होगा, ठीक है, उस सर्वर पे जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उस सर्वर के थ्रू रिसोर्सेज के यूज़ में आएंगे। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे, ठीक है,
वो क्लाइंट उस सर्वर के थ्रू ही कनेक्ट होके आपस में उनका कोऑर्डिनेशन जो होता है उसी में वो वर्क करेंगे। इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर की तरह रन करेगा। इसमें इससे क्या होता है, इसमें आपका जो रिसोर्सेज शेयरिंग का काम बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है, इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे पावर स्मार्टफोन वगैरह के लिए या टैबलेट के लिए या वियरेबल डिवाइसेस के लिए जो डिज़ाइन होता है उसको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका एंड्रॉयड है या मैक ओएस है, आईओएस है, या डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।